भरतपुर में फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल। घर के बाहर खड़े युवक ने बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। युवक से सोने की चैन लूटकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने अवैध हथियार से फायरिंग करी है। देर रात की ये घटना बताई जा रही है। मथुरा गेट थाना क्षेत्र के सूरजपोल चौराहे की ये घटना, जहां पर बाहर खड़े एक युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। युवक ने गले में सोने की चैन पहनी हुई थी और उस चैन को यहां पर लुटेरे अपने साथ लेकर चले गए। घर के बाहर युवक खड़ा हुआ था और इसी दौरान बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या कुछ अपडेट? के थाना पुलिस है, पूरे मामले की जांच कर रही है। देर रात की घटना है। शहर में देर रात को जो बदमाश थे वो चैन लूटने की वारदात को अंजाम देकर फायरिंग कर फरार हो गए। पुलिस आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरे उनको खंगाल रही है कि उसमें कोई बात क्या कैद हुआ हो। यानी पुलिस का जो कहना है कि जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। थोड़ा समय चाहिए पुलिस से जी। फिलहाल जिस तरह से कह सकते हैं कि युवक अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, बदमाश वहां से आए, अचानक से सोने की चैन लेकर चले गए। क्या लगता है कि पहले से ही रैकी यहां पर की जा रही थी, उन्हें पता था कि इस घर में कौन कौन रहता है, या अचानक से वो लड़का वहां पर खड़ा हुआ और उसके बाद में वहां चैन लेकर चले गए? देखिए, लगातार दो तीन दिन की अगर बात की जाए तो भरतपुर में ऐसी घटना लगातार बयाना की अगर बात की जाए, नदवी इलाके की बात की जाए, कल ये भरतपुर शहर की बात है, तो कहीं ना कहीं ये लगातार ये गैंग सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस की जो आला अधिकारी उनका कहना है कि जो गैंग है एक प्रॉपर जगह पर निशाना बनाती है, उसके बाद वारदात को अंजाम देती है। भले ही गैंग कोई भी हो, लेकिन इसको जल्द पकड़ लिया जाएगा।